Hello students, we are going to proceed the chapter. Okay, so today we will be discussing the fifth part 5 of class 6 history. And the name of this chapter was What Books and Burials Tell Us. Okay, so we are going to discuss the fifth part of this chapter. Okay, and as you know me, I am your assistant teacher Priyesh. So let me start with a quick revision of fourth part. Okay, so part 4 के हमने क्या-क्या चीजें discuss की थी, उससे हम start करते हैं. ठीक है, so part 4 में मैंने ये बताया था कि सबसे पहले लोग ग्रीक में थे, लोगों को बुलाने के लिए या फिर उनको कैटेगराइज करने के लिए किन शब्दों का यूज किया करते थे. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी डिस्कस्ड इन पार्ट 4 वाज वर्ड्स यूज फॉर कॉलिंग और कैटेगराइजिंग पीपल. कैटेगराइजिंग लोगों को कैटेगराइज करने के लिए और बताने के लिए वो कौन से वर्ड्स का यूज करते थे, ये डिस्कस हमने करना था. ठीक है, सो इसमें क्या पढ़ा था, इसमें हमने ये पढ़ा था कि व्हाट वाज द लैंग्वेज दैट वाज यूज्ड ड्यूरिंग ऋग्वेद. ओके, ऋग्वेद के डिस्कशन में हमने ये चीज पहले चीज पढ़ी थी कि कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनका यूज किया जाता. ठीक है, सो सबसे पहले कैटेगराइज करने के लिए दो वर्ड्स का यूज करते थे. ठीक है, दो वर्ड्स का यूज करते थे कैटेगराइज करने के लिए. ठीक है, पहला वर्ड था प्रीस्ट. प्रीस्ट तो इंग्लिश वर्ड है बट इट वाज ब्राह्मिन्स. ठीक है, सो ब्राह्मिन्स वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड फॉर कैटेगराइजिंग द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पीपल. And the people in this category used to write prayers, used to worship God. ठीक है, भगवान की पूजा करने के लिए या फिर वेद पुराणों की रचना करने के लिए categorization की थी, की गई थी. ठीक है, so priest was the word that was first used by that many people. ठीक है, so what was the function of these priests? ये priest करते क्या? ठीक है, so priest का काम ये था, they used to perform यजना, they used to worship God. ठीक है, so review करके जानते हैं. सबसे पहली चीज they used to perform यजना, second thing follow rituals of They used to follow the rituals or the rules of religion. ठीक है, धर्म के नियमों का पालन वो करते थे और करवाते थे. ठीक है, and the second category under which they were divided was priest हो गया, और दूसरी category थी राजास. ठीक है, second category was राजास. so राजास का काम क्या? ठीक है, सो जैसे कि राजा वर्ड आता है तो राजा का मतलब ये नहीं कि जो लड़ाई लड़ते थे या फिर जिनका बहुत बड़ा किंगडम था. दिस राजा दैट वाज कैटेगराइज्ड, इसका मतलब ये होता था दैट दीस वर द हेड ऑफ सोसाइटीज. ओके, ये समाज के सबसे उच्च रैंक्स पर बैठे हुए थे. ठीक है, एंड उनका काम ये होता था, दे यूज्ड टू मेक रूल्स इन द सोसाइटी. ठीक है, ये समाज के नियम कानून बनाते थे. ठीक है, और अगर वो फॉलो नहीं करता तो फिर उसको पनिश भी किया करते थे.
So the work of rajas was to make the rules, ठीक है, of the society, ठीक. इसके बाद ये क्या करते थे, these are the head rankers of society, ठीक है. इनको समाज का सबसे उच्च दर्जा देकर के इनको यूज किया जाता था, या ये उस दर्जे पे काम करते थे, ठीक है. बेसिकली इनका काम ये था, इनका ऐसा कुछ नहीं था कि अगर उनको राजा की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है. सो दे डू नॉट हैव एनी आर्मी, एनी पैलेस और एनी किंगडम. इनके पास कोई राज्य, कोई सेना या फिर कोई राज्य राजा जैसी कोई चीजें नहीं थी, बट ये क्या थे कि सोसाइटी के सबसे हाई रैंक्स में माने जाते थे, ठीक है. माने जाने से क्या होता था, ठीक है. सो जो बेसिक ड्यूटी होती है सोसाइटी में रूल बनाना, रूल को फॉलो कराना, ठीक है, ये इनके फंक्शंस हुआ करते थे, ठीक. इसके बाद आता है कि जो दो और इसके बाद कैटेगरीज आई इसके बाद, ठीक है, उन कैटेगरीज का क्या मतलब था, ये सारी चीजें डिस्कस की जा चुकी है ऑलरेडी पार्ट 4, बट आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट वंस मोर, ओके. सो द नेक्स्ट टू वर्ड्स दैट वर इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर राजास एंड ब्राह्मिंस वाज फर्स्ट वर्ड इज जन, ठीक है. What was the meaning of Jan? So, meaning of Jan was a group of people living together. ठीक है? एक तरह के लोग एक साथ जब रहते थे तो उनको Jan कहते थे. ठीक है? So, if we say that a crowd of people or a crowd is gathered anywhere, so that in Hindi we say Jan. Jan समूह. ठीक है? तो जन किसको कहते थे, एक ही कैटेगरी के लोग जब कहीं पे किसी एरिया में लार्ज अमाउंट में रहते थे, ठीक है, सो उन्हें जन कहते थे, ठीक है. सो दिस वाज द सेकंड कैटेगराइजेशन दैट टुक प्लेस इन द ऋग्वेदा, ओके. आफ्टर जन द सेकंड वर्ड दैट वाज यूज्ड वाज विश, ठीक है. विश वर्ड और जन वर्ड, इन दो वर्ड्स का यूज किया जाने लगा सेकंड कैटेगराइजेशन के टाइम, ठीक है. जन का मतलब लोगों के समूह को या कैटेगरी, कैटेगरी इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल आर लिविंग एट अ सेम प्लेस, ठीक है. जन उसको कहते थे और विश भी सिनोनिम ही था जन, ठीक है. विश भी सिनोनिम था जन, क्यों कह सकते हैं ऐसा, ऐसा इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जन जो वर्ड था वो एक कैटेगरी के लिए यूज करते थे, ठीक है, एक कैटेगरी के लोगों के लिए यूज करते थे. बट विश वॉज द वर्ड दैट वॉज यूज अकॉर्डिंग टू द कास्ट, ठीक है, कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से जब कैटेगराइजेशन होने लगा तो उसके लिए विश वर्ड का यूज किया गया, ठीक है. और किसी विश वर्ड से एक वर्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसका नाम था वैश्य, ठीक है. वैश्य का मतलब क्या होता है, द थर्ड कैटेगरी इन वर्ल्ड सिस्टम वैश्य. जब हम वर्ल्ड सिस्टम की बात करते हैं तो वर्ल्ड सिस्टम के बारे में मैंने ये बताया था कि वर्ल्ड सिस्टम चार टाइप के वर्ल्ड में लोगों को कैटेगराइज किया गया, ठीक है. पहला कैटेगरी क्या थी, ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, ठीक है. सो ये जो वैश्य कैटेगरी थी, यूजुअली दे वर द मर्चेंट टाइप ऑफ पीपल ऑफ सोसाइटी, ठीक है. ये लोग क्या होते थे, मर्चेंट टाइप के लोग होते थे, या फिर जो ट्रेडर्स हुआ करते थे उनको इस कैटेगरी में रखा जाता था, ठीक है. सो जन एंड विश, दीज टू आर द वर्ड्स दैट वर यूज्ड ड्यूरिंग द सेकंड कैटेगराइजेशन इन वैदिक पीरियड, ठीक है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट विश, विश का मतलब मैंने बताया कि जब कास्टिज्म शुरू हुआ, फिर रिलीजन के हिसाब से कैटेगराइजेशन होने लगी तो विश वर्ड का यूज हुआ, ठीक है. सो विश वर्ड के बाद क्या हुआ, विश और जन ये दोनों वर्ड्स को सिनोनिमिकली यूज किया जाने लगा, मतलब कि एक साथ भी कई जगह लोग यूज करते थे, ठीक है. जैसे कि अगर हम क्लासिज्म की बात करें तो अगर यदु जन के लिए लिखा है, ठीक है, यदु या यादव वाज द रिलीजन वाज अ क्लास, ओके. सो इफ यदु जन इज अ कैटेगरी, ठीक है, एक कैटेगरी ऑफ पीपल है जिसका नाम है यदुजन, ठीक है. तो या तो इसको यदुजन कहेंगे और विश, ठीक है. यदुजन और विश ये दोनों एक ही चीज है, ठीक है. यदुजन का मतलब यदु जो कैटेगरी है या यादव जो कैटेगरी है उससे बिलोंग करने वाले लोग, ठीक है, इनको इनको लिख दिया गया या फिर विश, ठीक है, ऐसे कैटेगराइज करते थे. सो लाइक दिस सिमिलरली यदुजन, गुरुजन, गुरुजन
ठीक है, यदुजल ऐसे करके कैटेगराइजेशन होने हैं, ठीक है। उसके बाद कई बार कंट्रीज के नाम पे भी लोग करते हैं, ठीक है। अगर एक कंट्री में या एक किंगडम में लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिस पे भी उनकी कैटेगराइजेशन होती थी। जैसे आज के डेट में अगर कोई बिहार से बिलोंग करता है तो बिहारी कहते हैं, ठीक है। कोई हरियाणा से है तो उसे हरियाणवी कहते हैं, पंजाब से है पंजाबी कहते हैं, उत्तर प्रदेश से है तो उत्तरी भी कई जगह लोग कहते हैं, ठीक है। सो लाइक दैट ओनली द पीपल ऑफ भारत वर नोन एज भारत जन, ठीक है, भारत जन और विश, ठीक है, इनका यूज किया जाता था लोगों को कैटेगराइज करने के लिए, ठीक है, कैटेगराइज करने के लिए या फिर बताने के लिए दैट दिस कैटेगरी आल्सो फॉल्स इन इंडिया, ये भी कैटेगरीज हैं इस देश के लोगों की, ठीक है। सो आफ्टर दिस द सेकंड कैटेगराइजेशन, द थर्ड कैटेगराइजेशन दैट टुक प्लेस वाज इसके बाद तीसरे कैटेगराइजेशन की बात है, ठीक है। पहला कैटेगराइजेशन क्या था कि राजा और ब्राह्मण, ये दो कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड किया गया था, ठीक है। राजा का काम क्या था, दे यूज्ड टू टेक द डिसीजंस एंड दे यूज्ड टू प्रोटेक्ट द रूल्स, दे यूज्ड टू मेक एंड प्रोटेक्ट, बोथ थिंग्स वर डन बाय द राजा कैटेगरी, ओके। बट आफ्टर दैट द इन द सेकंड कैटेगराइजेशन द जन एंड द विश, द टू दीज आर टू वर्ड्स दैट वर यूज्ड टू कैटेगराइज पीपल। After this, third categorization took place. तीसरे categorization की जब बात आती है, categorization, third categorization, ठीक है? तो third categorization में क्या हुआ कि दो और ऐसे बनाए गए categories जिसमें लोगों को divide किया गया, ठीक है? So जो पहली category थी वो थी आर्यास, ठीक है? English में आर्यास, हिंदी में आर्य, ठीक है। एंड द सेकंड कैटेगरी वाज दासास, दास और दासी, ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं दास एंड दासी, ठीक है। ये आया थर्ड कैटेगराइजेशन, इसमें क्या हुआ, इसमें ऐसा क्यों कहा गया कि आर्य भी थे और ये दूसरी कैटेगरी, ऐसा क्यों बनाया गया, ठीक है, इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया, ठीक है। So the people of the at the time of third categorization, जब तीसरे categorization की बात आई, ठीक है, so जो people, जो लोग भगवान की पूजा करते थे, ठीक है, आर्यास के जो application लिखे people who created diamonds and worshipped gods, ठीक है, जो लोग भगवानों की पूजा करते थे या भजनों का निर्माण किया करते थे उनको आर्य कहा जाता है, ठीक है। एक्चुअली में कहा नहीं जाता, दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ एज आर्य, व्हाई दे कॉल्ड देमसेल्फ एज आर्य, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन आंसर इज आल्सो वेरी, द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आल्सो वेरी सिमिलर टू इट्स क्वेश्चन, ओके। सो हाउ वी कैन से क्यों ये लोग अपने आप को आर्य कहते थे, आर्य इसलिए कहते थे बिकॉज दे कंसिडर्ड देमसेल्फ एज द हायर रैंक, हायर कैटेगरी ऑफ अ सोसाइटी, बिकॉज दे आर वेरी क्लोज टू गॉड एंड दे आर क्रिएटिंग द डायमंड्स एंड दे आर वर्शिपिंग गॉड्स एंड जस्ट ड्यू टू दिस दे स्टार्टेड कॉलिंग देम एज आर्यास और द लीडर्स ऑफ द सोसाइटी, दे बिकॉज दे थॉट दैट दे आर शोइंग द राइट पाथ, शोइंग द डायरेक्शन टू द सोसाइटी, ऐसा इसलिए वो अपने आप को आर्य कहते थे, ठीक है, क्योंकि वो भगवानों की पूजा किया करते थे और भजनों का निर्माण किया करते थे और इसी कारण से वो अपने आप को समझते थे कि दैट वी आर द टीचर्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, अपने आप को वो गुरु मानते थे, ठीक है, क्योंकि अब धर्म के हिसाब से वो भगवानों के लिए रिचुअल्स का मतलब रिचुअल्स बनाया करते थे, नियम बनाया करते थे कि कैसे क्या करना है, ठीक है, एंड दे ऑल्सो created the diamonds, भजनों का भी निर्माण वही किया करते थे कि किस भगवान के लिए कौन सा भजन है, कौन सा प्रेयर है, this was also decided by the Aryas, ठीक है, and the second category that fell during this third categorization was Dasas and Dasis, Dasas Dasis
ये जो था दास दासी ये वर्ड क्यों यूज किया गया. सो द रेस्ट ऑफ द पीपल दैट वर नॉट फॉलोइंग द कैटेगरी ऑफ आर्यास दे वर कॉल्ड एज दास एंड दासीज और द फॉलोअर्स ऑफ आर्यास. ठीक है, मतलब वो ये कहते थे कि जो आर्य की कैटेगरी में है उसके बाद जो लोग बचते हैं ठीक है वो दास या दासी कहे जाएंगे. ठीक है, एंड उसको आर्यास का फॉलोअर भी कहा जाता था. ठीक है, क्योंकि दे फॉलो द पाथ दैट वाज डिसाइडेड बाय आर्यास. ठीक है, ये लोग उसी राह को फॉलो करते थे जो आर्यास इन्हें दिखाते थे. ठीक है, या फिर जो फर्स्ट कैटेगरी ने दिखाती थी उसी राह पर ये चलते थे. ठीक है, सो दैट इज व्हाई दे वर कंसीडर्ड एज दासास एंड दासीस और द फॉलोअर्स ऑफ आर्यास. ठीक है, ये हुई थी थर्ड कैटेगराइजेशन की. ठीक है, बट जब हम 13th सेंचुरी के बाद की बात करते हैं ठीक है, लेटर ऑन आफ्टर 13th सेंचुरी द मीनिंग ऑफ दिस दासास एंड दासीस चेंज. ठीक है, पहले हम इसकी बात करते हैं. सो पीपल फॉलोइंग रेस्ट देन आर्यास वर कंसीडर्ड एज दास एंड दासी. ठीक है, बट 13वीं शताब्दी या 13th सेंचुरी के बाद से दास और दासी की मीनिंग चेंज हो. क्यों चेंज हो गई भाई मीनिंग? मीनिंग इसलिए चेंज हुई क्योंकि people started predicting the wrong meaning of this category. इस कैटेगरी का लोग गलत मतलब निकालने लगे. ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि आर्यास की फॉलोअर हुआ करती थी ये सेकंड कैटेगरी, या इनके दिखाए हुए रास्ते पर दास कैटेगरी चलती थी, लेकिन वो लोग कभी आर्यास होते हैं वो दासास को अपना सर्वेंट नहीं मानते थे. ठीक है, दे नॉट कंसिडर्ड द सेकंड कैटेगरी एज देयर ओन प्रॉपर्टीज. ठीक है, प्रॉपर्टी या देयर ओन सर्वेंट्स. बट लेटर ऑन आफ्टर द 13th सेंचुरी द मीनिंग ऑफ दिस कैटेगरी और द वर्ड ऑफ दिस कैटेगरी चेंज. ठीक है, बिल्कुल बदल गया. ठीक है, इनके जीने का रहने का तरीका, इनके कैटेगरी का मतलब पूरा कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सो व्हाट वाज द मीनिंग आफ्टर द 13th सेंचुरी के बाद दास और दासी का क्या मीनिंग रह गया उसका डिस्कशन हम करते हैं. ठीक है, सो 13वीं शताब्दी के बाद दास और दासियों को राजा का या रूलर का सर्वेंट माना जाता है. ठीक है, सो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन राइट इज दास एंड दासीज वर कंसिडर्ड एज प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ किंग और सर्वेंट्स ऑफ. ठीक है, किंग राजा की प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह से उन्हें कंसिडर किया जाने लगा, या फिर उन्हें राजा का नौकर भी कहते थे लोग. ठीक है, राजा का नौकर क्यों कहते थे? क्योंकि दे वर डूइंग द ऑड जॉब्स इन द किंगडम. ऑड जॉब्स का मतलब जो भी काम राजा उन्हें करने के लिए कहते थे वो उन्हें करना पड़ता था. ठीक है, सो आफ्टर दिस वर्क was decided by the king for das and das. ठीक है, दास और दासियों के लिए जो काम थे वो राजा डिसाइड करते थे और इन्हें वो सारे काम करने पड़ते थे जो भी राजा इनसे कहते थे. ठीक है, दे हैड टू डू द वर्क दैट आर इंस्ट्रक्टेड बाय द किंग फॉर देम. ठीक है, राजा अगर किसी राज्य पे आक्रमण किया करते थे ठीक
किसी राजा पे आक्रमण किया और राजा ने उस राज्य पे अपना अधिकार कर लिया या कब्जा कर लिया, ठीक है, तो उस राज्य के जितने भी दास या दासी हुआ करते थे या जो प्राइवेट सर्वेंट्स हुआ करते थे वो राजा की प्रॉपर्टी बन जाते थे, ठीक है, और वो कोई भी काम उनसे करवा सकते थे, ठीक है। सो आफ्टर 13th सेंचुरी दिस वॉज द मीनिंग ऑफ दास एंड दासी और द सेकेंड कैटेगरी ऑफ थर्ड कैटेगराइजेशन, ठीक है, that das and dasis were considered as the private property of the king or servants of the king, theek hai, wo as a servant as a private property kaam karte the iske liye king ke liye, theek hai, aur jo bhi kaam king unse karne ke liye kehta tha wo unhe karna padta tha, theek hai, agar kisi rajya pe hamla kiya, theek hai, to us rajya ki property jaise sona chandi ye sari cheeze property hoti hai kisi kingdom ki, theek hai, वैसे ही दास और दासी भी किंग के प्राइवेट प्रॉपर्टीज में रखे जाते थे या मान लिए जाते थे, ठीक है, दे कैन दे हैड टू गो विद किंग आफ्टर द डिफीट ऑफ देयर किंगडम, ठीक है, उन्हें राजा के साथ जाना पड़ता था, ठीक है, राजा के लिए काम करना पड़ता था और राजा जो भी करने के लिए कहेगा उनसे दे हैव टू डू दैट, ठीक है। सो दिस वॉज द थर्ड कैटेगराइजेशन एंड द सेकेंड इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्ड कैटेगराइजेशन सेकेंड कैटेगरी, ठीक है। ये हो गई दास और दासियों की 13वीं शताब्दी के बाद की विधि, ठीक है। इसके बाद हमने एक और चीज पढ़ी, ठीक है, ऋग्वेद में एक और चीज ऐसी ऐसी चीजें और भी लिखी हुई है, ठीक है, जैसे कि अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो वो नॉर्थ वेस्ट में बना था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में उसकी फॉर्मेशन हुई थी, लेकिन अगर हम बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो वहां पे बहुत सारी और भी डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, ठीक है, जिनकी लिस्टिंग की गई, ठीक है। सो लिस्टिंग की गई है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि नॉर्थ वेस्ट के अलावा भी पूरे कॉन्टिनेंट में क्या क्या डेवलपमेंट हुए थे उनमें से एक के बारे में हमें डिस्कशन करना है, ठीक है, कि अगर हम मानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में ऋग्वेद की फॉर्मेशन हुई, ठीक है, ऋग्वेद बना नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, लेकिन बाकी सारे इंडिया में बाकी सारे कॉन्टिनेंट में क्या सारी चीजें बदल रही थी, क्या सारी चीजों का इंट्रोडक्शन हो रहा था, ये बात जानना, ठीक है। सो पहली थिंग जो आती है उस टाइम की वो है मेगालिथ्स, ठीक है, मेगालिथ, उसके बारे में हल्का सा डिस्कशन मैंने किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है, कि मेगालिथ्स क्या होते हैं, ठीक है, मेगालिथ्स और मेगालिथिक ब्यूरियल, ठीक है, मेगालिथिक ब्यूरियल, इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है, कि मेगालिथ्स क्या है और मेगालिथिक ब्यूरियल क्या है, ठीक है। चलो मेगालिथ्स की बात करते हैं, ठीक है, तो मेगालिथ्स की बात करते समय जो फर्स्ट थिंग माइंड में आता है वो ये है कि इसकी मीनिंग क्या हो सकती है मेगालिथ्स, ठीक है। सो मेगालिथ्स की मीनिंग ये होती है अ बिग स्टोन, ठीक है, बहुत बड़ा सा एक या तो पत्थर या पत्थर की चट्टान, ठीक है, पत्थर की चट्टान नहीं चट्टान कह सकते हैं, ठीक है, बड़ी सी बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा या चट्टान, ठीक है। सो उसका क्या काम होता था, ठीक है, उसको क्यों मेगालिथ्स का नाम दिया गया मेगालिथिक ब्यूरियल में, इसका क्या इंपॉर्टेंस था ये जानना, ठीक है। सो पहले के जमाने में कई सारे रिलीजियंस में लोगों को जलाते थे, कई सारे रिलीजन में लोगों को दफनाते थे, ठीक है। सो जस्ट टू मार्क अ साइन एट अ ब्यूरियल, ठीक है, कई बार क्या होता था कि लोग दफनाते तो थे बट भूल जाते थे कि कहां दफनाया गया था, ठीक है। सो उस ब्यूरियल प्लेस को या उस दफनाई हुई जगह को याद करने के लिए कि पता चले कि हाँ किस प्लेस पे दफनाया गया है, दे यूज टू पुट अ मेगालिथ, ठीक है, वो एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा या बोल्डर ले आकर के उस जगह पे रख देते थे जहां पे वो अपने किसी को दफनाते थे, ठीक है। ये क्यों क्यों रखा जाता था, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि व्हाई दे यूज्ड टू पुट अ मेगालिथ और अ बिग स्टोन बोल्डर ऑन अ ब्यूरियल प्लेस। सो इसका आंसर ये है कि इसका बेसिक कारण ये था कि वो अपने ब्यूरियल प्लेस को याद करना चाहते थे या आने वाली जनरेशन को बताना चाहते थे दैट देयर फोरफादर्स और देयर एंसेस्ट्रीज ब्यूरीड इनसाइड दिस मेगालिथ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि
वो अपने आने वाले पीढ़ियों को ये बताना चाहते थे दैट वो वहां पे उनकी जो एंसेस्ट्री है या उनके पूर्वज है उनको दफनाया गया था। ठीक है, बोल्डर से वो मार्क करते थे कि किस स्थान पे लोगों ने किसको दफनाया। ठीक है, और उस बोल्डर पे वो नाम भी कार्व किया करते थे। कार्व का मतलब खोद करके उसपे अपना नाम लिखते थे, कार्विंग किया करते थे या फिर इंस्क्रिप्शन किया करते थे, इंस्क्रिप्ट किया करते थे कि किसको दफनाया गया है, उसकी जाति क्या है, उसका परिवार क्या है, वो किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। दीज ऑल थिंग्स वर मेंशन्ड ऑन दैट बोल्डर। ठीक है, सो कई बार क्या होता था कि वहां पे रख करके उसके बाद बड़े से पत्थर को रख दिया। ठीक है, उस पत्थर से क्या पता चला कि इस जगह पे या इस प्लेस पे किसी को दफनाया गया। ठीक है, सो दिस वॉज द मीनिंग ऑफ मेगालिथ। ठीक है, मेगालिथ का मतलब क्या हुआ, अ स्ट्रॉन्ग एंड बिग पार्ट of a stone kept to mark the burial place is was known as megalith। ठीक है, एक बड़े से पत्थर का टुकड़ा जो कि किसी की ब्यूरियल को या किसी की दफनाई में स्थान को मार्क करने के लिए रखा जाता था was known as megalith। ओके, एंड दिस टाइप ऑफ ब्यूरियल एंड दिस type of burial is known as megalithic burial। ठीक है, megalithic burial क्यों कहते थे, क्योंकि यहां पे megalith यूज किया जाता है। सो दैट इज वाई इट वॉज नोन एज megalithic burial। ठीक है, why it was known as megalithic burial, just because it was on the place of megalith ka use karke type ki burials ko karte the, that is why it was known as megalithic burial। So now what we are going to discuss is what was the importance of megalithic burial kyun zaruri thi aur iske features kya the। Theek hai, so iska discussion hum karenge। सो इसके इम्पोर्टेंस के जाने से पहले सबसे पहले ये चीज जान लेते हैं कि ये चीजें होती कहाँ थी, किस एरिया में स्टार्ट हुआ था, कब स्टार्ट हुआ था, ये इस चीज के बारे में हम पहले जान लेते हैं। ठीक है, सो मेगालिथिक ब्यूरियल स्टार्टेड अबाउट 3000 इयर्स अगो। ठीक है, आज से 3000 साल पहले, ठीक है, मेगालिथिक ब्यूरियल या ये मेगालिथ का काम शुरू हुआ था। ठीक है, क्यों शुरू हुआ था, जस्ट टू मार्क अ ब्यूरियल प्लेस। ठीक है, एक दफनाए हुए जगह को या किसी को अगर कहीं दफनाते थे तो एज अ साइन दे यूज्ड टू पुट दिस मेगालिथ ऑन द ब्यूरियल प्लेस टू नो दैट एट दिस प्लेस समवन इज बरीड। ठीक है, इस जगह को ये याद रखने के लिए किसी को दफनाया गया है, इस मेगालिथ को या एक बड़े से पत्थर के टुकड़े को रखा जाता है। ठीक है, so megalithic burial or the story of megalith started about 3000 years ago। ठीक है, 3000 साल पहले इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, कहां कहां हुई थी, पहला जो एरिया है वो है नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जस्ट अपोजिट फॉर द प्लेस वेयर ऋग्वेद वॉज फॉर्म, ऋग्वेद की फॉर्मेशन की जस्ट उल्टी दिशा में ये चीज स्टार्ट हुई। ठीक है, सेकेंड प्लेस वॉज
साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ठीक है, दक्षिण भारत में शुरू हुआ, ठीक। इसके बाद साउथ इंडिया में शुरू हुआ, इसके बाद दक्षिण भारत में शुरू हुआ, यानी कि डेक्कन, ठीक है, डेक्कन में स्टार्टिंग हुई। एंड द फोर्थ प्लेस वेयर मेगालिथिक ब्यूरियल वॉज इन कश्मीर, ठीक है, कश्मीर में इसकी स्टार्टिंग हुई, ठीक है। कब शुरू हुआ? 3000 साल पहले। कहां कहां शुरू हुआ? सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ इंडिया, देन आफ्टर साउथ इंडिया इट स्टार्टेड इन डेक्कन, एंड आफ्टर डेक्कन इट स्टार्टेड इन कश्मीर, ठीक है। कश्मीर में इसका इंट्रोडक्शन हो चुका था, ठीक है। इन चार जगहों पर शुरू होने का मतलब क्या होता है, इसे क्या समझ में आता है? इससे हमें ये समझ में आता है कि लगभग इंडिया के हर पार्ट में, हर डायरेक्शन में इसकी स्टार्टिंग हो चुकी, ठीक है। स्टार्टिंग होने से क्या पता चला? इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज अ वेरी बिग रिचुअल और अ वेरी बिग रूल दैट वाज फॉलोड अबाउट 3000 इयर्स अगो। 3000 साल पहले ये जो मेगालिथिक ब्यूरियल स्टार्ट हुआ था, ये हर लेवल, हर डायरेक्शन पे स्टार्ट हो चुका था ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, एंड इट टुक प्लेस अराउंड 3000 इयर्स अगो, ठीक। और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों लगा? क्योंकि ये ऑल ओवर डायरेक्शन में शुरू हो चुका था, ठीक है। शुरू होने से क्या फायदे थे, क्या नुकसान थे, अब ये जानते हैं, ठीक है। शुरू हुआ तो चलो समझ में आता है कि टू मार्क और टू साइन ब्यूरियल प्लेस, ठीक है, इसके लिए इसकी स्टार्टिंग की गई। बट इसका एक और ये, इसका एक माइनस पॉइंट ये था, या इसका एक नेगेटिव फीडबैक सोसाइटी में ये पड़ा कि जहां जहां भी लोग दफनाते थे वहां एक बड़ा सा पत्थर रख देते थे, ठीक है। इससे क्या होता था कि जो प्लेन एरियाज है, ठीक है, जो प्लेन एरियाज है वहां पे बड़े बड़े पत्थर रखने के कारण वो अब मतलब जो रास्ते थे वो बंद हो जाया करते थे, ठीक है। इफ वी कंसिडर प्लेन, ठीक है, अगर एक प्लेन है यहाँ पे किसी को दफनाया गया है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टोन बोल्डर रख दिया गया, ठीक है, तो अगर जो ये रास्ता था ये रास्ता बंद हो गया, ठीक है, नाउ दे हैव टू मूव अराउंड फॉर सम एनी अदर पाथ, ठीक है। सो जस्ट टू चेंज दैट पाथ, जस्ट द स्पॉइलिंग ऑफ प्लेन, दिस वाज अ नेगेटिव फीडबैक फॉर सोसाइटी, ठीक है। इसीलिए फिर बाद में इसका चलन कम हो गया, ठीक है, क्यों? क्योंकि हर जगह पत्थर ही पत्थर हो जाया, ठीक। सो आफ्टर दिस नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस The features of megalithic burial, ठीक है, megalithic burial की क्या features थे इसके बारे में अब हम जान लेते हैं, ठीक है। So features of megalithic burial, what were the features of megalithic burial, this is what we are going to discuss, okay. So the first feature was the information regarding the person buried was carved on megaliths, ठीक है, megaliths पे जो आदमी मरता था या जो पर्सन की डेथ होती थी उसकी सारी इंफॉर्मेशन को कार्व किया जाता था या इंस्क्राइब कर देते थे, ठीक है। इससे क्या फायदे होते थे? इससे फायदे ये होते थे कि जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, यानी कि अगर हम आज की डेट में जाकर किसी मेगालिथ को देखते हैं या किसी ऐसे प्लेस पे जाते हैं जहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ठीक है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि दैट इस जगह पे इस इंसान को दफनाया गया था, ठीक है, क्योंकि उसकी सारी इंफॉर्मेशन उस बोल्डर पे या उस मेगालिथ पे कार्व की जाती है, ठीक है। सो कार्विंग से फायदा क्या हुआ? फर्स्ट थिंग दैट वी कैन नो अबाउट द पर्सन हु वाज बरीड इनसाइड द
megalith, and the second thing we can easily get to know that if a place is filled with a big part of stones, then we can easily say that this place was rich in megalithic burial. ये कह सकते हैं आसानी से कि इस स्थान पे megalithic burial का चलन हुआ करता था किसी जमाने में, ठीक है? So इसलिए ये पहला importance यही था कि लोगों की carving कर दी जाती थी ताकि ये पता चल सके कि किस जगह पे किसको दफनाया गया है, ठीक? So now let us discuss the second basic feature, and the second feature was that inside a megalithic burial, ठीक है? अगर हम megalithic burial की बात करते हैं तो megalithic burial के अंदर उस किसी को अगर जब दफना रहे थे, ठीक है, तो उस इंसान से रिलेटेड सारी चीजें हम उसमें रख के फिर दफना रहे थे, ठीक है? So let all the necessary and related things of the person buried was buried with him. ठीक है, अगर कोई इंसान है, ठीक है, उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को उसके साथ ही दफनाते थे, ठीक है? दफनाने का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी और जगह पे जाता है, ठीक है, जैसा कि हिंदू रिचुअल्स में ये मानना है कि आदमी मरने के बाद दूसरी दुनिया में जाता है, फिर वहां से दूसरा जन्म लेकर के वापस आता है, ठीक है? सो इनकी भी धर्म में ये मान्यता थी, जब मेगालिथिक ब्यूरियल के टाइम में धर्म चलता था, उस धर्म में भी ये मान्यता थी कि अगर इंसान मरता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड सारे सामान को उसके साथ दफना देना चाहिए ताकि अगला जन्म जब वो लेकर के आए तो उसकी जरूरत उसको जाना पड़ेगी तो वो उसको मिल जाए, ठीक है? So all the necessary and related things of the person to be buried were buried with him. इससे क्या पता चला कि जितनी भी जरूरत का सामान है और मरे हुए इंसान से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, ठीक है, वो उसके साथ ही दफना दी जाती, ठीक है? इससे क्या होता था, इससे ये होता था कि if he needs all those things, then the next life, then he will get all those things very easily, ठीक है? अगर हम ये बात करते हैं कि जो मरने वाला आदमी है वो घोड़ा चलाता था या वो ज्वेलरी का काम करता था, ठीक है? So हॉर्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, जैसे हॉर्स इक्विपमेंट है, हॉर्स के साथ चलने वाले जो हथियार है, ठीक है, और इसके जितने भी बैक में लगने वाली चीजें हैं वो सारी इसके साथ दफना दी जाती है, ठीक है? अगर हम मेगालिथिक ब्यूरियल की बात करते हैं तो अगर चीजों की बात करें, सबसे पहले ऑर्नामेंट्स, ठीक, ऑर्नामेंट्स यानी कि ज्वेलरी, सेकंड थिंग वेपन्स, थर्ड थिंग मीटेबल्स, eatables, first ornaments, second thing weapons, and the third thing is eatables. Eatables का मतलब the things that are used to eat, जो भी खाने की सामग्री है या खाने का सामान है वो भी साथ में दफनाते थे शस्त्रों और ज्वेलरियों के साथ, ठीक है, एक घड़े में या एक मटके में करके, ठीक है, एक पॉट में रख करके इन सारी चीजों को दफना दिया जाता था मरे हुए इंसान के साथ, ठीक है? The fourth thing that was buried with them was related things का मतलब जो भी मरे हुए इंसान के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि उसका उसके कपड़े, ठीक है, उसकी टोपी, उसका हैट, उसके शूज, ये सारी चीजें उसके साथ दफना दी जाती थी, ठीक है? So if we talk about the things that were buried inside in the time of megalithic burial, so those were ornaments of copper, ठीक है, copper and stone and gold, ठीक है, इन तीन चीजों के, तीन धातुओं के, तीन मेटल्स के ornaments को दफनाया जाता था, ठीक है, ताकि पता चल सके कि किस टाइप का ब्यूरियल है। सेकेंड थिंग, द
weapons like sword मतलब होता है तलवार, ठीक है, sword, knife, ठीक है, इन सब चीजों को साथ में दफनाते थे, ठीक है, eatables like wheat, ठीक है, wheat, barley, ठीक है, rice, these things were also buried like eatables, okay, and the fourth category that are related things इसमें हो जाता था shoes, ठीक है, clothes, ये सारी चीजें भी दफना दी जाती थी, ठीक है, ताकि आने वाले समय में या आने वाली लाइफ में इसको अगर जरूरत पड़ती है तो इसको आसानी से मिल जाए, ठीक है. And the weapons that were made for ये जो weapons दफनाते थे basically किसके बने होते थे, iron के, ठीक है, iron के बने हुए weapons को दफनाया जाता था, ठीक. इसके बाद also sometimes skeletons of horses, horse equipments and ornaments of stone and gold. All these pillows have some common features. The head were covered with distinctive parts which were called lag and red head. मतलब कि इनको जब दफनाते थे तो इनको ब्लैक और रेड कलर के कपड़ों के साथ दफनाते थे लपेट के, ठीक है, या तो वो ब्लैक कलर के कपड़े होंगे या रेड कलर के कपड़े होंगे, ठीक है, और जो पॉट्स होते थे जिसमें सामान रख करके दफनाया जाता था उसको भी कपड़ों से ढक दिया जाता था, ठीक है, ताकि ये उनकी रिलीजियस मान्यता थी, ताकि they used only black and red colored wares for the clothes to bury to perform a megalithic burial, ठीक है, so this was a very important thing that I forgot to tell you but it was also done, ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं कि indications क्या क्या बात है, ठीक है, so indications की अगर हम बात करें, indications की बात करें, इंडिकेशन की बात करते हैं या टाइप ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला था ओवरग्राउंड, ठीक है, और दूसरा था अंडरग्राउंड, ठीक है, दो टाइप के मेगालिथिक ब्यूरियल्स होते थे, ठीक है, या तो क्या होता था कि ओवरग्राउंड जब होता था तो दफनाने के बाद पत्थर रख दिया, ठीक है, उसके बाद कई हजार सालों के बाद वो फिर से जो लेवल ऑफ लैंड है वो ऊंचा हो गया, ठीक है, तो पत्थर नीचे चला गया तो वो किस में आ गया, अंडरग्राउंड कैटेगरी में, या कई बार ऐसा भी होता था कि एक ही कॉफिन को दफनाने के बाद उसको उसके अंदर ही उस स्टोन को भी रख के फिर बंद कर देते, ठीक है, so, ओवरग्राउंड का मतलब होता है जमीन के सतह पे या जमीन की जो प्लेन है उस प्लेन के लेवल पे, एंड द सेकंड थिंग इज अंडर द ग्राउंड, यानी कि इस लेवल के अंदर दफनाने के बाद यहीं पे पत्थर भी रख दिया, ये इस लेवल पे नहीं होता था, बट अगर हम ओवरग्राउंड की बात करते हैं तो इसे यहाँ रखते थे, यहाँ दफनाते थे और यहाँ पे मेगालिथिक स्टोन रखते थे, ठीक है, मेगालिथिक स्टोन रखने से क्या फायदा होता था, ताकि वो ऊपर से इजीली विजिबल हो, एंड ही दिस स्टोन वाज केप्ट इरेक्टेड, इरेक्टेड का मतलब थोड़ा सा टेढ़ा करके रखते थे, ठीक है, सो इफ वी सी एनीवेयर दैट अगर कहीं जाते हैं वहां देखते हैं कि इरेक्टेड स्टोन खड़ा है, ठीक है, या फिर टेढ़ा पत्थर कहीं पर रखा हुआ है तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि इस स्थान पे कभी मेगालिथिक ब्यूरियल हुआ हो, ठीक है, मेगालिथिक ब्यूरियल हुआ क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पे टेढ़े पत्थर है या इरेक्टेड स्टोन रखे हुए, ठीक है, सो टू टाइप्स ऑफ मेगालिथिक ब्यूरियल, ओवरग्राउंड एंड अंडरग्राउंड, ठीक है, कई बार क्या हुआ है जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो जमीन के अंदर से गोल एकदम कटे हुए पत्थर मिलते हैं, ठीक है, कटे हुए पत्थर कैसे मिलते हैं, क्योंकि कई बार होता था कि उसको शेपिंग करके फिर उसको मेगालिथ को रखते हुए, ठीक है, सो व्हेन वी फाइंड अ कटेड स्टोन या फिर अ शेप्ड स्टोन अंडर द ग्राउंड देन वी कैन इजीली से दैट इट वाज अ पार्ट ऑफ अंडरग्राउंड मेगालिथिक ब्यूरियल, बट इफ वी फाइंड इरेक्टेड स्टोन्स ऑन द सरफेस ऑफ द लैंड then it can be easily said that it is a part of overground megalithic burial, ठीक है,
इसके बाद एक और चीज आती है सामने, एक और चीज ये सामने आती है कि कई बार एक ही खानदान के लोग एक साथ दफनाए जाते हैं, ठीक है। सो मेगालिथिक ब्यूरियल का एक और इम्पोर्टेंस ये था कि उस जगह पे मेगालिथिक ब्यूरियल मेगालिथिक स्टोन को रखने के बाद फिर जब कोई दूसरा उनकी फैमिली में मरता था तो उसी जगह पे ले जाकर के पुरानी चीजों के साथ उसको भी उसी के ऊपर दफना देते थे, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि एक कॉफिन है या फिर एक ब्यूरियल प्लेस है, ठीक है, यहाँ पहले से उसने एक को गाड़ रखा है सामान के साथ, ठीक है, फिर दूसरा फैमिली में मरा उसको ले आके इसके ऊपर गाड़ दिया, ठीक है, यहाँ पे स्टोन रखा है, स्टोन हटाया, इसको खोला, यहाँ गाड़ दिया, ठीक, फिर तीसरा मरा, तीसरे को भी यही करके गाड़ दिया सामान के साथ। यानी कि बेसिक कहने का मतलब ये है कि एक ही परिवार के या एक खानदान के लोगों को एक साथ अपनाया जाता था। कि ऐसा कैसे पता चलता है? ऐसा इसलिए पता चलता है क्योंकि जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होता है तो एक ही अपनाई हुई जगह पे चार पांच स्केलेटन्स मिलते हैं। स्केलेटन्स का मतलब कंकाल, हड्डियों के ढांचे जो है एक साथ चार पांच छह मिल जाते हैं, ठीक है। सो इससे ये पता चलता है कि एक परिवार की या एक ही जाति के लोगों को, एक ही फैमिली के लोगों को एक साथ चार पांच को दफना के फिर इसी को यूज कर देते हैं। सो दिस ब्यूरियल प्लेस और दिस ब्यूरियल वॉज यूज रिपीटेडली बाय सेम फैमिली पीपल, एक ही परिवार के लोगों के द्वारा इसका यूज किया जाता था, ठीक है। इससे क्या फायदा होता था कि एक तो सारे लोगों को इसका दफना देते थे, प्लस इसकी एक और चीज थी कि इजिली ये पता लगा सकते थे यहाँ पे फैमिली का नाम लिख दिया, ठीक है, और एक ही जगह पे दफना दिया, इससे जगह भी बचता था और एक ही जगह पे सब लोग रहते हुए, ठीक है। So this was all about today's video. Hope you gained some knowledge by watching this video. So the rest topic of this chapter will be discussed in next video, part 6. So if you have any queries, please put that queries in the comment section. Okay. So now let us discuss about the homework. Homework की बात करते हैं. ठीक है. तो homework आज का ये है. Sites of megalithic burials, ठीक है, megalithic burials की जो sites आज भी हैं इंडिया में या पूरा करते थे ये आपको पता करना। So thank you for watching.